टोंक से खबर आपको बता दें, जहां जिला मुख्यालय पर विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली जुड़े। इस दौरान प्रधानमंत्री ने राजस्थान के विकास के लिए करीब 17,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। राजस्थान की 200 विधानसभाओं में विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली संवाद भी किया। टोंक जिला मुख्यालय पर राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम, बीजेपी के कई नेता सहित जिला कलेक्टर और SP सहित तमाम अधिकारियों ने प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना। इस बीच मीडिया से बात करते हुए गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने कहा, राजस्थान में डबल इंजन सरकार में डबल गति से विकास हो रहा है। पूर्व सरकार में हुए घोटालों पर भी तेज गति से कार्रवाई शुरू हो चुकी है। हम आभार व्यक्त करेंगे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कि वो समय समय पर अपने देश के मतदाताओं से, देश के लोगों से, जो देश के ज़रूरतमंद लोगों से सीधा संवाद स्थापित करके उनके भले के लिए और क्या किया जा सकता है इसकी परिकल्पना को साकार रूप देते हैं और धरातल पर उतारने का काम करते हैं। हम आभार व्यक्त करेंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी का, जिन्होंने अपने इस 2 महीने के कार्यकाल में प्रदेश की जनता को ये एहसास कराने का काम कर दिया कि हाँ, अब सुशासन स्थापित हुआ है, अब राजस्थान सुनहरा राजस्थान बनेगा और विकास की दृष्टि से नंबर 1 बनके भारत जब 2047 में विकसित देशों की श्रेणी में आएगा तो राजस्थान की भी उसमें अहम भूमिका होगी।